ये बालाजी भरत का भजन मैंने बहुत सालों पहले गा दिया था, लेकिन वो जो एल्बम था जो मिल नहीं पा रहा है, इसलिए इसको दोबारा गा करके हमारे मूल जी के द्वारा बोली श्री बालाजी महाराज की जय हो। देखो राम और रावण के बीच में युद्ध शुरू हो जाता है और रावण की करीब करीब आधी सेना का संहार भी हो जाता है। मेघनाथ और लक्ष्मण के बीच में लड़ाई चल रही थी। लक्ष्मण से तंग आकर मेघनाथ जी ने लक्ष्मण के ऊपर शक्ति का प्रयोग कर दिया और सजनों लक्ष्मण उस शक्ति का आदर करता है और शक्ति के लगते ही मूर्छित होकर धरती पर गिर जाता है। शाम का समय हो चुका था, सेनाएं अपनी अपनी शिविर में लौट चुकी थी। जब भगवान राम को लक्ष्मण दिखाई नहीं देते हैं तो भगवान राम कहते हैं कि भाई लक्ष्मण कहाँ है, लक्ष्मण को ढूंढ कर लाओ। इतनी देर में हनुमान जी महाराज लक्ष्मण को अपने कंधे के ऊपर लेकर के आ जाते हैं और भगवान श्री राम के गोद में उतार देते हैं। तो भगवान श्री राम लक्ष्मण को अपने गोद में लेकर के क्या मनुष्य लीला कर रहे हैं, विलाप कर रहे हैं और कहते हैं कि मेरे भाई तेरे बिना मैं अयोध्या में कैसे जाऊंगा, माँ सुमित्रा को मैं क्या जवाब दूंगा, माँ सुमित्रा को मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा, जरा तू मुख से बोल। तो देखो भगवान राम जी अपने भाई के लिए विलाप कर रहे हैं। इतनी देर में जामवंत जी महाराज कहते हैं कि हे श्री राम ऐसा करने से कुछ नहीं होगा, एक काम करो, लंका के अंदर एक सुके नाम का वैद्य है, उस वैद्य को बुलवाओ, वो ही लक्ष्मण की मूर्छा दूर कर सकता है। तो कैसे जामवंत जी महाराज हनुमान जी महाराज से क्या बात कहते हैं, देखो क्या बात बनती है। जामवंत कहनी लगे ए जी सुनिए हनुमत बाती, लंका माई जाई के ल्याओ वैद्य सुके नन साथ। अरे बेगा जावो पवन कुमार भूल्याओ वैद्य सुके नन जारे, ओ मारा लखन का प्राण बचावो रे बजरंग बालाजी, ओ प्यारा बालाजी, ओ मारा लखन का प्राण बचावो रे बजरंग बालाजी, ओ प्यारा बालाजी, ओ बेगा जावो पवन कुमार जाओ सुखे नजारी, मारा लखन का प्राण बचावो रे मारा बालाजी, ओ प्यारा बालाजी। बालाजी बालाजी मारा लखन का प्राण बचाओ रे बजरंग बालाजी, ओ प्यारा बालाजी, अरे बेटा जावो पवन कुमार। Yeah.
के नन जाओ, पर लखन के न बज दिखाओ बजरंग बालाजी, ओ प्यारा बालाजी। अरे बेगा जाओ पवन कुमार, की बात को सुनकर के कैसे भगवान श्री राम के चरणों में शीश झुकाते हैं और कैसे लंका में जाते हैं। और देखो क्या बात बनती है, अरे बजरंग बीड़ा उठाया प्रभु के चरणों में शीश झुकाया, कुटुंब सहित ले आया। अरे लाल लखन के न बज दिखाया रे मारा बालाजी, ओ प्यारा बालाजी। हमारा लखन का प्राण बचाओ रे बजरंग बालाजी, ओ प्यारा बालाजी। ओ मारा बालाजी बालाजी, ओ मारा बालाजी बालाजी, मारा बालाजी बालाजी, ओ मारा बालाजी बालाजी। बालाजी महाराज लंका के अंदर जाते हैं, सुकेन वैद्य को उसके मकान सहित उसके कुटुंब सहित उठा करके और रामादल में लेकर के आ जाते हैं। सुकेन वैद्य लक्ष्मण की नबज को देखता है और देखो क्या बात कहता है, अरे मन की बात सुकेन बताई मेरे पास नहीं दवाई, सुकेन बताई मेरे पास में नहीं दवाई। अरे भाई मन की बात सुकेन बताई मेरे पास नहीं दवाई, मन की बात सुकेन बताई मेरे पास नहीं दवाई। अरे संजीवन बूटी ला कर कर लखनवीर ने जाए पिलाई, संजीवन बूटी लखनवीर ने जाए पिलाई। अब थे थोड़ा गिर पर जाओ मारा बालाजी, ओ प्यारा बालाजी। अरे देखा जाओ पवन कुमार, ¡Gracias!
को सुकेन बह दे, लक्ष्मण की नब्ज को देखकर कहने लगे अगवाई इसके मेरे पास कोई दवा नहीं है, एक काम करो रात रात में सूर्य उदय होने से पहले अगर कोई द्रोणागिरी पर्वत से संजीवनी बूटी लेकर के आ जाता है और वो संजीवनी बूटी लक्ष्मण को पिला दी जाती है तो लक्ष्मण के प्राण बच सकते हैं, वरना और कोई दूसरा तरीका नहीं है। तो कैसे अंतिम शब्दों में क्या बात कहते हैं, क्या बात बनती है। मारा बालाजी बालाजी मारा बालाजी बालाजी मारा बालाजी बालाजी मारा बालाजी बालाजी। अरे जो द्रोणागिर पर जावे बूटी एक पैर में लावे, द्रोणागिर पर जावे बूटी एक पैर में लावे, अरे द्रोणागिर पर जावे बूटी एक पैर पहली आवे। अर्जुन गुण गोविंद का गाओ मारा बालाजी हो प्यारा बालाजी, अरे मारा लखन का प्राण बचाओ रे बजरंगे बालाजी हो प्यारा बालाजी, अरे बेटा जाओ रे पवन कुमार लाओ वेद सुखे ननजार, मारा लखन का प्राण बचाओ रे मारा बालाजी हो प्यारा बालाजी, हमारा लखन का प्राण बचाओ रे मारा बालाजी हो प्यारा बालाजी। ओ अरे मारा लखन का प्राण बचाओ रे बजरंग बालाजी हो प्यारा बालाजी हो प्यारा बालाजी हो प्यारा बालाजी। बोले हनुमान जी महाराज की। हाँ तो प्रेमी सजनों, जब हनुमान जी महाराज से जामन जी ये बात कहते हैं अगे हे हनुमान जो सुकेन वैद्य जी बूटी बता रहे हैं वो आपको लेनी पड़ेगी। हनुमान जी बोले ए वैद्य जी महाराज बूटी तो सूर्य उदय क्या, मैं अभी जाता हूं और एक पैर में लेकर के आता हूं। लेकिन हे वैद्य जी द्रोणागिरी पर तो कई बूटियां हैं कई औषधियां हैं, उस बूटी को मैं कैसे पहचानूंगा, उसकी कोई निशानी बताओ, वो बूटी कैसे मिलेगी और कैसी होगी। तो देखो हनुमान जी महाराज सुकेन वैद्य से कैसे बूटी की निशानी पूछ रहे हैं और कैसे क्या बात बनती है एक छोटे से भजन के माध्यम से। अरे माने बूटी की निशानी ओ अरे माने बूटी की निशानी अरे बताओ मारा वैद्य जी बता दो मारा वैद्य जी मैं बूटी लेने जाऊंगा, अरे माने बूटी की निशानी बता दो मारा वैद्य जी बताओ मारा वैद्य जी मैं बूटी लेने जाऊंगा हो जाऊंगा अब मैं बूटी लेने जाऊंगा, माने बूटी की निशानी तो बताओ मारा वैद्य जी बताओ मारा वैद्य जी मैं बूटी लेने जाऊंगा जाऊंगा मैं तो बूटी लेने जाऊंगा।
तो निशानी बता दे, मरा बैद जी बताओ, मरा बैद जी मैं गोटी लेने जाऊंगा, हो जाऊंगा अब मैं गोटी लेने जाऊंगा, मारे गोटी लेने जाऊंगा, बताओ मरा बैद जी बताओ, मरा बैद जी मैं गोटी लेने जाऊंगा, जाऊंगा मैं तो गोटी लेने जाऊंगा। देखो सुकेन वैद्य बूटी की क्या निशानी बताते हैं, अरे दीपक जैसी ज्योति देखना, दीपक जैसी ज्योति देखना, ओ दीपक जैसी ज्योति देखना, दीपक जैसी ज्योति देखना, अरे वाई तो संजीवन बूटी रे समझना, आई बिकी खास निशानी, मरा बैद जी बताओ, क्यों ना बैद जी मैं बूटी लेने जाऊंगा, हो जाऊंगा अब मैं बूटी लेने जाऊंगा, मने बूटी निशानी बताओ, मरा बैद जी बताओ, मरा बैद जी मैं बूटी लेने जाऊंगा। अर्जुन की कहानी बताओ, मरा बैद जी बताओ, मरा बैद जी मैं गोटी लेने जाऊंगा, अरे जाऊंगा अब मैं गोटी लेने जाऊंगा, मने गोटी लेने जाने तो बताओ, मरा बैद जी बताओ, मरा बैद जी मैं गोटी लेने जाऊंगा, हो जाऊंगा अब मैं गोटी लेने बालाजी महाराज की जय हो। जब सुकेन वैद्य ने ये बात बताई, अगर हनुमान जिस बूटी के पास में दीपक जैसी रोशनी जलती दिखाई दे उसी को लेके आनी है, तो सजनों हनुमान जी महाराज भगवान श्री राम के चरणों में शीश झुकाते हैं और आकाश में उड़ान भरते हैं और जय श्री राम का जयकारा लगाते हैं। अरे कैसे द्रोणागिरी पर्वत की तरफ जा रहे हैं, और देखो क्या बात बनती है, कैसे सूर्य भगवान से रात्रि में आकाश मार्ग से जा रहे हैं और सूर्य भगवान से क्या प्रार्थना करें, तो बताया भजन के द्वारा। जाए नब में बालाजी, जाए नब
बूटी हो बूटी हो बूटी लाबा पवन कुमार देखो जाए नब में ओ बूटी लाबा पवन कुमार देखो जाए नब में ओ बूटी लाबा पवन कुमार देखो जाए नब में ओ बूटी लाबा पवन कुमार देखो जाए नब में अरे जाए नब में बालाजी जाए नब में श्री राम का चाल्या पवन कुमार ध्यान लगा के श्री राम का चाल्या पवन कुमार अरे ध्यान लगा कर श्री राम का चाल्या पवन कुमार ध्यान लगा के श्री राम का चाल्या पवन कुमार अरे राम ही राम रटे नब मारग दौड़िया बेसुमार राम ही राम रटे नब मारग दौड़िया बेसुमार सूरज ने पुकार देखो जाए नब में हो करता सूरज ने पुकार देखो जाए नब में हो बूटे लाबा पवन कुमार देखो जाए नब में अरे जाए नब में बालाजी जाए नब में जाए नब में बालाजी जाए नब में हो बूटी हो बूटी हो बूटी लाबा पवन देखो जाए नब में ओ बूटे लाबा पवन कुमार देखो जाए नब में हनुमान जी महाराज आकाश मार्ग से जा रहे हैं और सूर्य भगवान से ये प्रार्थना करते जा रहे हैं कि हे सूर्य भगवान जब तक मैं बूटी लेकर के नहीं आ जाता हूँ तब तक आपको उदय नहीं होने आज आपकी ड्यूटी थोड़ी देर ठहर के देनी पड़ेगी तो क्या कहते हैं हनुमान जी महाराज सूर्य भगवान से शक्ति लागी मैं लाबा जाऊं बोटी लखन वीर के शक्ति लागे लाबा जाऊं बोटी अरे लखन वीर के शक्ति लागी मैं लाबा जाऊं बोटी लखन वीर के शक्ति लागे लाबा जाऊं बोटी अरे थोड़ी देर ठहर कर दी जो आज थारी या ड्यूटी थोड़ी देर ठहर कर दी जो थारी आज या ड्यूटी होगी 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 इसी बात में सार देखो जाए नब में होगी इसी बात में सार देखो जाए नब में ओ बूटे लाबा पवन कुमार देखो जाए नब में अरे जाए नब में बालाजी हो जाए नब में जाए नब में बालाजी जाए नब में हो बूटी लाबा पवन कुमार देखो जाए
बात को सुन करके अरे सजनों आकाश में एक आवाज आती है, आकाशवाणी होती है, अगर है हनुमान जा तेरा मन का चाया होगा, तू जैसी सोच रहा है तेरी सारी इच्छा पूर्ण होगी, तो कैसे क्या बात बनती है। अरे बन कपड़ी जद हनुमान के सूर्य देव की वाणी, बन कपड़ी जद हनुमान के सूर्य देव की वाणी, मारा बालाजी बालाजी मारा बालाजी 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 मारा बालाजी बालाजी। अरे बन कपड़ी जद हनुमान के सूर्य देव की वाणी, बन कपड़ी जद हनुमान के सूर्य देव की अरे मर्यादा तोड़ो तो हनुमत होवे धर्म में हानि, मर्यादा तोड़ो तो हनुमत होवे धर्म में हानि, हो तेरा हो तेरा हो तेरा होगा बेड़ा पार देखो जाए नभ में, अरे तेरा होगा बेड़ा पार देखो जाए नभ में, भगवान की आकाशवाणी को सुनते हैं कि हनुमान मैं मर्यादा तोड़ता हूं तो धर्म हानि होती है, लेकिन जा तेरा बेड़ा पार होगा तेरा मन का चाया होगा। इस आकाशवाणी को हनुमान जी महाराज सुनते हैं तो बड़े प्रसन्न होते हैं, कैसे आकाश मार्ग से उस द्रोणागिरी की तरफ जा रहे हैं, उधर रावण का एक दूत रावण से जाके समाचार कह देता है, बोला महाराज जिस हनुमान नामक बंदर ने ये आपकी लंका जलाई थी, वो हनुमान नामक बंदर संजीवनी बूटी लेने के लिए द्रोणागिरी की तरफ जा रहा है, अगर वो बूटी को लेकर के आ जाएगा लक्ष्मण जिंदा हो जाएगा, और अगर लक्ष्मण जिंदा हो जाएगा हे महाराज ए लंकेश अपना जो सारा काम है वो करा करा मिट्टी में मिल जाएगा, इसलिए कुछ उपाय करो। तो सजनों रावण एक कालमी राक्षस के पास में जाता है, और वो कालमी राक्षस रावण का रिश्ते में मामा लगता था, उसी राक्षस के पास में जाके कहता कि ए कालमी ऐसे ऐसे मेरे बेटे मेघनाथ ने लक्ष्मण के शक्ति बाण मार दिया है, लेकिन हनुमान नामक बंदर संजीवनी बूटी लेने के लिए द्रोणागिरी पे जा रहा है, इसलिए आप एक सुंदर साधु का भेष बनाओ, और साधु के बाने से वो हनुमान बड़ा प्रेम करता है बड़ा प्यार करता है, इसलिए रास्ते में एक सुंदर कुटिया का मायावी कुटिया का निर्माण करो, और कैसे भी उस हनुमान को रोको और कैसे भी सूर्य उदय करवाओ। सजनों वो कालनेमी राक्षस रावण को मना कर देता कि हे रावण जब तेरी लंका को जलाई थी तू उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सका, और मेरे को उसका रास्ता रोकने के लिए भेज रहा है, मेरे बस का सौदा नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा। जब मना कर देता है रावण क्रोध में आता है, हाथ में तलवार उठाता है और उस कालनेमी को मारने के लिए तैयार होता है, तो वो कालनेमी अपने मन के अंदर विचार करता कि भाई रावण का कहना करेगा तेरे को हनुमान मारेगा, और रावण का कहना नहीं करेगा तेरे को रावण मारेगा, तेरा मरना निश्चित है, इसलिए उसी
भगवान राम के दूत इस दुष्ट रावण के हाथों से ना मर करके और उस भगवान के दूत हनुमान के हाथों से मैं क्यों ना मरूं ताकि मेरी मोक्ष हो जाए। ये विचार करके अर्धक वो कालिमी राक्षस कैसे एक सुंदर साधु का रूप बनाता है, रास्ते में एक तालाब के किनारे सुंदर कुटिया का निर्माण कर लेता है, धुना ढाल लेता है, और कैसे हनुमान जी महाराज आकाश मार्ग से जा रहे थे, सुंदर साधु का भेष देख करके धुनी को देख करके पृथ्वी के ऊपर आ जाते हैं। अगर भाई कोई भगवान का भक्त है, तेरे को बढ़िया सुन हुए हैं, बढ़िया सगुन हुए हैं, मैं पानी में थोड़ा स्नान कर लूं तालाब में और प्यास लग रही है थोड़ा पानी भी पी लूं और इस साधु से दो बातें भी कर लूं। जो ही कपटी साधु के धुने की तरफ हनुमान जी आते हैं तो कैसे वो कपटी साधु हनुमान को फटकारता है, उसको अपनी बातों में लगाता है। अब भाई कैसे भी सूर्य उदय हो जाए और देखो क्या बात बनती है तो बताए एक भजन के द्वारा। अरे बंदर मान कहेड़ो अरे डट जाए, ओ अरे बंदर मान कहेड़ो डट जा रे, अरे दूना पर डाल है गो हो छाया दूर हट जा रे, बंदर मान कहेड़ो डट जा रे, दूना पर घेर है गोर छाया दूर हट जा रे, बंदर मान कहेड़ो हट जा रे, दूना पर घेर है गो छाया दूर हट जा रे, बंदर मान कहेड़ो डट जा रे, दूना पर घेर है गो छाया दूर हट जा रे, सतगुरु किसी कहाँ पर चालो है उपदेश शुरू को, सतगुरु किसी कहाँ पर चालो है उपदेश शुरू को, मत आबादे धोना पर जो चेलो बिना गुरु को, उसने आता पहले नट जा रे, धोना पर घेरे गो छाया दूर हट जा रे,
हनुमान जी को नुंगरा बताता है तो देखो हनुमान जी महाराज उस कपटी साधु से क्या बात कहते हैं। अगर महाराज अगर मैं नुंगरा हूँ तो मेरे को सुगरा बनाओ, अरे मेरे को गुरु मंत्र दो, तो कैसे हनुमान जी महाराज को वो कपटी साधु बातों में लगाता है। कहता है अब गुरु मंत्र आपको मैं बाद में दूंगा, पहले इस तालाब में जाकर के स्नान करके आओ। तो क्या बात कहता है, अरे गुरु मंत्र सुन वो चावे तो पहली तालाब में ना ले, गुरु मंत्र सुन वो चावे तो पहले तालाब में ना ले, गुरु मंत्र सुन वो चावे तो पहली तालाब में ना ले, गुरु मंत्र सुन वो चावे तो पहले तालाब में ना ले, जन्म सफल हो जावे गोजा राम नाम गुण गाले, तेरा पाप सारा हो तेरा पाप सारा कट जा रे, दोना पर डाल है गो छाया दो रहत जा रे, बंदर मान के रहत जा रे, दोना पर डाल है गो छाया दो रहत जा रे। उस तालाब के अंदर चले जाते हैं, पानी पीते हैं और स्नान करने लग जाते हैं। तो देखो अचानक क्या बात बढ़ती है, एक मगरमच्छ आती है, हनुमान जी महाराज के पैर को पकड़ती है और पैर को पकड़ते ही स्पर्श करते ही वो खत्म हो जाती है और कैसे एक सुंदर अप्सरा का रूप धारण करती है और क्या बात बढ़ती है। प्रीतम ताल में नाथो मकरी के मारी लात हनुमान, प्रीतम ताल में नाथो मकरी के मारी लात हनुमान, प्रीतम ताल में नाथो मकरी के मारी लात हनुमान, प्रीतम ताल में नाथो मकरी के मारी लात हनुमान, मकरी ताई स्वर्ग लोक से आ गयो एक विमान, उसमें बैठ गई बा उसमें बैठ गई बा झट जा रे, दोना पर डाल है वो आया दूर हट जा रे, बंदर मार पे वो हट जा रे, दोना पर डाल है वो आया दूर हट जा रे। Thank you.
मीनाक्षी हनुमान जी महाराज के पैर को छूते ही खत्म हो जाती है, क्योंकि वो इंद्र की अप्सरा थी और सजनु श्राप के कारण वो मगरमच्छ ही बनी हुई थी, और हनुमान जी महाराज के पैर को छूते ही वो श्राप मुक्त होती है, सुंदर एक अप्सरा का रूप धारण कर लेती है। उसके लिए स्वर्ग से एक विमान आता है, उस विमान में बैठ जाती है और वहां से रवाना होती है, तो जाते जाते हनुमान जी से क्या कहती, हनुमान ये साधु नहीं है, ये कपटी साधु है, इसके कहने में मत आ जाना। ये बात सुनते हनुमान जी महाराज सारी बात समझ जाते हैं, और देखो कैसे क्या बात बनती है, भजन की अंतिम लाइन में क्या बात समझाई है। कर जे विश्वास काले नेम से कपटे हनुमत मत कर जे विश्वास हनुमती से पार लगावे मन गुरु नारायण दास अर्जन राम नाम तू हो अर्जन राम नाम तू रट जा रे दोना पर घेरे को काया दूर हट जा रे सजनों बताया जाता है हनुमान जी महाराज वो जो मगरमच्छी थी श्राप मुक्त हो जाती है, अपनी विमान में बैठ करके स्वर्ग में चली जाती है, जाते जाते हनुमान से कहती है हनुमान ये साधु नहीं, ये कपटी साधु है, काल में राक्षस, इसके कहने में मत आ जाना। हनुमान जी महाराज तुरंत उस साधु की कुटिया के पास जाते हैं और दूर से कहते हैं, बोले हे महात्मा जी गुरु मंत्र तो आप मेरे को बाद में देना, पहले गुरु दक्षिणा ले लो।
कहने का मतलब उस कपटी साधु उस काल में राक्षस के और हनुमान जी के बीच में घोर घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। तो सजनों उस लड़ाई के अंदर हनुमान जी महाराज ने उस काल में राक्षस का वध कर दिया, उसको मार दिया और सजनों तुरंत द्रोणागिरी की सूरत लगा ली। द्रोणागिरी पर्वत के पास में हनुमान जी चले जाते हैं, लेकिन वहां पर भी रावण के दूतों ने माया फैला दी। प्रत्येक बूटी के पास में जगह जगह पर रोशनी कर दी। हनुमान जी महाराज बड़े असमंजस में पड़ जाते हैं। अब हे भगवान, हे श्री राम, मैं कौन सी बूटी को लेकर के आऊं? क्योंकि सुकेन वैद्य ने एक ही बात बताई थी कि जिस बूटी के पास में दीपक जैसी रोशनी जलती दिखाई दे उसी बूटी को लानी है। लेकिन भगवान, हर बूटी के पास में दीपक जैसी रोशनी हो रही है, अब मैं क्या करूं? तो सजनों हनुमान जी महाराज उस द्रोणागिरी पर्वत के ऊपर बैठ जाते हैं, अपने गोडू में मस्तक धर लेते हैं और बड़ी चिंता व्यक्त करते हैं। सजनों किस प्रकार हनुमान जी महाराज अपने मन के अंदर कई कई विचार ला रहे हैं, अर्धों को क्या बात बनती है, एक छोटे भजन के माध्यम से समझाया है। बजरंग सोच करे न्यो मन में, रोणगिरी पर बैठो रे बजरंग सोच करे न्यो मन में, रोणगिरी पर बैठो बजरंग सोच करे न्यो मन में, रोणगिरी पर बैठो बजरंग सोच करे न्यो मन में। सजनों
हनुमान जी महाराज अपने मन में विचार करते हैं, अगर आज तलक मेरा जीवन में ना अटका ऐसा रोड़ा, अगर नहीं समय के ऊपर पूछता हूँ तो बिछड़े राम लखन का जोड़ा, क्योंकि अब तो सूर्य उगन में टेम से थोड़ा, फिर ना रहसी प्राण लखन में, अर द्रोण गिरी पर बैठो बजरंग सोच करे न्यू मन। हे भगवान, हे श्री राम, मेरे जीवन के अंदर आज तलक ऐसी परेशानी, ऐसा संकट, ऐसी समस्या कभी नहीं आई है, लेकिन मैं क्या करूं। इस बात का विचार करते करते हनुमान जी अपने मन में और क्या विचार लाते हैं तो बताया नंबर दो में। अरे पहला दुख था रघुवर को उस राजा जनक की जाई का, अरे अब तीर काल जा चीर गया दुख होगा लक्ष्मण बाई का, तीर काल जा चीर गया दुख होगा लक्ष्मण बाई का, तीर काल जा चीर गया दुख होगा लक्ष्मण बाई का। अरे चेहरा कुम लगया बल दाई कारे ऐसे घोर विपन में, पर बैठो रे बजरंग सोच करे नहीं हो मन में, क्या करूं। पहला दुख था रघुवर को उस राजा जनक की जाई का, लेकिन अब तो तीर काल जा चीर गया दुख पड़गा लक्ष्मण भाई का, इस प्रकार चेहरा कुमला गया बलदाई का, ऐसे घोर विपन में, विपन कहते जंगल को, ये संस्कृत का शब्द है। सजनों, हनुमान जी महाराज फिर क्या विचार करते हैं, अगर पहले तो मेरे प्रभु को, मेरे स्वामी को सिर्फ लक्ष्मण का ही, सीता माँ का ही दुख था, और अब एक लक्ष्मण का संकट बड़ा सामने खड़ा हो गया है, अब मैं क्या करूं। इस बात का विचार करते करते सोचते सोचते हनुमान जी महाराज के एक बचपन की बात याद आती है, क्योंकि बालकपन में, बचपन में हनुमान जी महाराज की माता अंजनी उसको एक वरदान दिया था, अगर ए मेरे बेटे, जब भी जीवन के अंदर कभी तेरे अंदर संकट पड़े, कोई विपत्ति पड़े, कोई आपत्ति आए, कोई समस्या आए, तो हनुमान तू मेरे को याद कर लेना, मैं तेरी हर समस्या का समाधान करने के लिए तैयार रहूंगी। तो सजनों, उस बालकपन की बात को याद करके हनुमान जी महाराज कैसे अपनी माता अंजनी को याद करते हैं और क्या बात बनती है, बताया भजन की अंतिम लाइन में। राम
बोले बालाजी महाराज की जय हो। हनुमान जी महाराज जब अपनी माता अंजनी को याद करते हैं, माता अंजनी प्रकट हो जाती है और सजनों हनुमान से कहते, बेटे क्या बात है, इस रात्रि के समय इस निर्जन वन के अंदर तेरे अंदर ऐसी कौन सी आपत्ति आ गई जो तूने मेरे को याद किया है। हनुमान जी महाराज कहते, माता राम रावण के बीच में युद्ध चल रहा है और माता मेघनाथ रावण के बेटे ने लक्ष्मण के शक्ति बाण मार दिया है, लक्ष्मण के प्राण बड़े संकट में हैं और माता इस द्रोणगिरी पर्वत के ऊपर एक संजीवनी बूटी बताई है, वो संजीवनी बूटी में सूर्य उदय से पहले पहले ले जाकर और लक्ष्मण को पिला देता हूं तो लक्ष्मण के प्राण बच सकते हैं, बस ये समस्या है। माता अंजनी कहती है, बेटे किसका इंतजार कर रहा है, अगर ऐसी समस्या है तो जल्दी बूटी लेकर के जाओ, बात क्या वो बताओ। बोला, माता यही तो चक्कर पड़ रहा है, कौन सी बूटी को लेकर के जाऊं, क्योंकि सुकेन वैद्य ने ये बात बताई थी कि जिस बूटी के पास में दीपक जैसी रोशनी जलती दिखाई दे उस बूटी को लानी है, लेकिन माँ देव हर बूटी के पास में एक नहीं दो नहीं तीन तीन रोशनी हो रही है, अब ये मेरे संकट सामने खड़ा हो गया, अब तू ही बता मैं क्या करूं। तो सजनों इस बात को सुनकर के माता अंजनी अपने बेटे हनुमान को बड़ा ओलमा देती है, फटकारती है, उसको दिखाती है, अरे तू मेरा पूत होकर के भगवान श्री राम का दूत होकर के, अरे एक छोटी सी बात के लिए घबरा गए बेटे, अरे आज भी मेरे दूध के अंदर वो ताकत है, वो शक्ति है, वो हिम्मत है, अरे सारे पर्वत के टुकड़े टुकड़े कर सकता है, और तू छोटी सी बात के लिए घबरा गया, आज तूने मेरे दूध को लजा दिया है, इसलिए दिखा है तेरा जीना। तो माता अंजनी अपनी बेटी हनुमान को क्या उड़मा देती है और देखो क्या बात बनती है। आहा, अरे दूध मेरो रे ओ दूध मेरो, दूध मेरो रे ओ दूध मेरो, अरे तन बार बार धिकार लजायो दूध मेरो, तन बार बार धिकार लजायो दूध मेरो, तन बार बार धिकार लजायो दूध मेरो, तन बार बार धिकार लजायो दूध मेरो। आज करो पर्वत का टुकड़ा, आज करो पर्वत का टुकड़ा, आज करो रे पर्वत का टुकड़ा, आज करो रे पर्वत का टुकड़ा, अरे मेरो दूध बड़ो बलकार लजायो दूध मेरो, मेरो दूध बड़ो बलकार।
या राम का बन कर पायक, या राम का बन कर पायक, श्री राम का तू बन कर पायक, श्री राम का बन कर पायक। अरे ना पवन पुत्र कहलानी लाया, पवन पुत्र कहलाने लायक, अरे हो रो मन में कहूँ हुशियार जायो दूध मेरो, बार बार भिखार ले जायो दूध मेरो, बार बार भिखार ले जायो दूध मेरो। इतने बात कह करके माता अंजनी अपनी स्तन से उस पर्वत के दूध की धार मारती है, और कैसे पर्वत के टुकड़े टुकड़े होते हैं, और क्या बात बनती है। अरे दीपूच से दूध की धारा, 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 पर्वत हो गया न्यारा न्यारा, पर्वत हो गया न्यारा न्यारा, डूंगर हो गया न्यारा न्यारा, डूंगर हो गया न्यारा न्यारा। पवन कुमार ले जायो दूध मेरो, तुमने उठा लियो पवन कुमार ले जायो दूध मेरो, तने बार बार दीपार ले जायो दूध मेरो। तो सजना हनुमान जी महाराज की माता अंजना उस पर्वत के दूध की धार मारती, अपनी स्तनों से पर्वत के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। सजनों उनमें से एक टुकड़ा हनुमान जी महाराज अपनी अथेली पे उठा करके और वहां से फौरन रवाना हो जाते हैं। बताया जाता है रास्ते में और भी कई परेशानी आती हैं, आपको सारी बातों का वैसे मालूम है। अयोध्या को ऊपर से जा रहे थे, भरत जी ने बाण मार दिया, हनुमान जी जय श्री राम का उच्चारण करते धरती पे गिर जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं। बिना फरका बाण था जो भरत जी ने मारा था। जब भगवान श्री राम का उच्चारण करते हैं तो भरत जी मन में विचार करते भाई कोई भगवान का दूत है, आकर के पास में बोलते हनुमान जी मूर्छित हो चुके थे, लेकिन भगवान श्री राम के चरणों का ध्यान करके और भरत जी कहते हैं अगर मेरा भगवान राम के चरणों में अगर थोड़ा बहुत भी प्रेम है तो ए बंदर तू जरा होश में आ और मेरे को सारी बात बता। सजनों भगवान राम का ध्यान करते हनुमान जी महाराज की मूर्छा दूर होती है, सारी बात भरत जी को बता देते हैं कि ऐसे ऐसे
रावण राम के बीच में युद्ध चल रहा है, लक्ष्मण के शक्ति बाण लग चुका है, सूर्य उदय होने से पहले पहले यह बूटी मेरे को द्रोणागिरी से लेके आया हूं, रामातल में पहुंचानी है। सजनों, भरत जी महाराज कहते हैं कि आओ हनुमान मेरे बाण पे बैठो, आपको अभी मैं पूर्ण लंका में पहुंचा देता हूं। हनुमान जी कहते हैं, भरत जी महाराज इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, आपका आशीर्वाद चाहिए, मैं स्वयं चला जाऊंगा। बताया जाता है सजनों, हनुमान जी महाराज भगवान श्री राम का जयकारा लगाते हैं, जय श्री राम, और वहां से रवाना होते हैं। उधर रामा दल के अंदर सन्नाटा छाया था, सभी रीछ बानर भालू बिल्कुल हताश हो रहे थे, सारी सेना में दुख की लहर दौड़ रही थी, और सभी बंदर भालू भगवान राम से बार बार यही सवाल पूछते हैं, हे श्री राम सूर्य उदय होने वाला है, क्या हनुमान जी बूटी लेकर के नहीं आएगा? हे श्री राम अगर बूटी लेकर के नहीं आएगा तो लक्ष्मण क्या क्या होगा, क्या लक्ष्मण जीवित नहीं होगा? ऐसी बातें कर रहे थे। इतनी देर में सजनों वो हनुमान जी महाराज उस पर्वत के टुकड़े को लेकर के आते हुए दिखाई देते हैं, सारी सेना के अंदर खुशी की लहर दौड़ जाती है, सभी रीछ बंदर भालू भगवान श्री राम के साथ साथ हनुमान जी महाराज का जयकारा भी लगाते हैं। अरे देखो क्या बात बनती है, अरे कैसे लक्ष्मण की मूर्छा दूर होती है। कुछ अंतिम शब्दों के माध्यम से अरे कुशीती अपार दल में होरी जय जयकार दल में, हो कुशीती अपार दल में होरी जय जयकार दल में, अरे राम जी के लिए पटे लखन गल मर, बोलो राम राम बोलो राम राम, पटे लखन गल मैं बोलो राम राम जय हो, बोलो राम राम बोलो राम राम।
उस पर्वत के टुकड़े को सुकेन वैद्य के सामने ले जाकर रख देते हैं। और कैसे सुकेन वैद्य उस मूर्ति को तोड़ता है, तुरंत घोड़ता है, और कैसे लक्ष्मण को पिलाता है, और कैसे लक्ष्मण की मूर्छा दूर होती है। ए, अरे तोड़ तोड़ मूर्ति को वैद्य जी पिलाते हैं, तोड़ तोड़ मूर्ति को वैद्य जी पिलाते हैं, तोड़ तोड़ मूर्ति को वैद्य जी पिलाते हैं, तोड़ तोड़ अरे लखन की मूर्छा जागी एक पल मरा, बोलो राम राम, बोलो राम राम, लिपटे लखन गल मरा, बोलो राम राम, जय हो राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो 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 राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो। सजनों, सुकेन वैद्य तुरंत मूर्ति को तोड़कर घोट करके लक्ष्मण को पिलाते हैं। सजनों, लक्ष्मण की मूर्छा दूर हो जाती है, लक्ष्मण भगवान श्री राम के गले मिलते हैं। सारी सेना के अंदर श्री राम हनुमान के जय जयकारे होते हैं। सजनों, इस प्रकार हनुमान जी महाराज ने असली कमाई करी थी, राम नाम रूपी लक्ष्मण के प्राण बचाए थे, भगवान श्री राम के काज संवारे थे। इसलिए किसी कवि ने बताया है, अगर इस दुनिया में आया बंदे तो कर्जा खरी कमाई, अरे जोड़ सके तो जोड़ बावड़े कुछ भी आना पाए। त्रेता युग में हनुमान ने अरे राम नाम धन जोड़िया, सुध लिया सीता की और रावण का गर्भ निचोड़िया। भाई मूर्छित हुआ राम का जब बूटी लेनी दौड़िया, अरे पिला संजीव लक्ष्मण को श्री राम का संकट। अरे हनुमान के जैसे बंदे तू भी लगन लगाई, अरे जोड़ सके तो जोड़ बावड़ा कुछ भी आना, क्योंकि मीरा ने इस धन की खातिर अपना कुटुंब कबीला छोड़ दिया, हरी कीर्तन खातिर उसने अपने सारे जग से नाता तोड़ दिया। अरे लगी लगन और हुई मगन, युग युग का पाप निचोड़ दिया, अरे मीरा बाई भी अमर हो गए ऐसा धन वो जोड़ दिया। तो सजनों, सबसे बड़ा धन राम नाम रूपी होता है। तो इस प्रकार भगवान श्री राम के काज हनुमान जी महाराज सुधारे थे। और सजनों, आज भी हनुमान जी महाराज की जितनी पूजा होती है, संसार के अंदर किसी भी देवता की पूजा नहीं होती है। अरे ठाकुर जी का मंदिर, भगवान राम का मंदिर, भगवान कृष्ण का मंदिर तो कहीं कहीं पर मिलता है, लेकिन प्रत्येक गांव में नहीं, प्रत्येक ढाणी में नहीं, प्रत्येक घर घर में बालाजी महाराज की स्थापना मिलेगी। क्योंकि चाहे दो पत्थर के रख करके उस पे संदूर लगाओ और बालाजी महाराज को मनाओ। इसलिए सबसे ज्यादा राम से ज्यादा हनुमान की पूजा होती है। और सजनों, जो भगवान राम की नाम उच्चारण करेगा उसी से हनुमान जी महाराज प्रसन्न होते हैं। तो अंतिम शब्दों में क्या बात बता दी, रामचंद्र रसना से गाया, रामचंद्र रसना
बोले सियापति राम चंद्र भगवान की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, सतगुरुदेव भगवान की जय हो, भगवानों के भगवान की जय हो, गौ माता की जय हो, मां।